शाहरुख खान चोटिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें ये चोट आई। उसके बाद तुरंत उनकी टीम उन्हें हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने बताया कि कोई चिंता की बात नहीं और उन पर माइनर सर्जरी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजरी के बाद शाहरुख अपने घर मन्नत लौट आए हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख एक प्रोजेक्ट के लिए लॉस एंजल्स में शूटिंग कर रहे थे। शूट करते हुए उनकी नाक पर चोट आ गई, खून बहने लगा। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने टीम से कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, नाक से बहता खून रोकने के लिए एक छोटी सर्जरी की गई है। शाहरुख वापस इंडिया लौट आए हैं और अपने घर में आराम कर रहे हैं। शाहरुख की इंजरी गंभीर नहीं है। बाकी वो किस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहे थे इसे लेकर कोई डिटेल्स बाहर नहीं आई है। मुमकिन है कि वो अमेरिका में कोई एड शूट कर रहे हों। रही बात उनकी फिल्मों की, तो जवान रिलीज होने को तैयार है। बताया जा रहा है कि उसका पहला टीजर या ट्रेलर मिशन इम्पॉसिबल 7 के साथ रिलीज किया जाएगा। मिशन इम्पॉसिबल 7 12 जुलाई से सिनेमाघरों में उतर रही है। उस दिन से जवान का ट्रेलर भी सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि इसकी डिजिटल रिलीज पहले भी की जा सकती है। जवान के बाद शाहरुख टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं। वो सलमान के साथ एक भारी भरकम एक्शन सीक्वेंस करने वाले हैं। उसे शूट भी किया जा चुका है। टाइगर 3 इस साल नवंबर में आने वाली है। उससे अगला महीना उनकी फिल्म डंकी के लिए बुक है। बता दें कि डंकी की शूटिंग पूरी नहीं हुई है। ऊपर से नवंबर में टाइगर 3 जैसी बड़ी फिल्म आ रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि डंकी को खिसका दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता लग नहीं रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावे किए हैं कि शाहरुख और राजकुमार हिरानी का डंकी को पोस्टपोन करने का कोई इरादा नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कई फिल्मों के बिजनेस को झटका लगने वाला है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की रिलीज डेट को 11 अगस्त से खिसकाकर 1 दिसंबर किया गया है। उसके अलावा योद्धा, फुकरे 3 और सैम बहादुर जैसी फिल्में भी दिसंबर में ही रिलीज होने जा रही है। डंकी की रिलीज से इनका कलेक्शन प्रभावित होगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।